फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं एम केस ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, लाइन इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन से। सो लेट अस स्टार्ट। अ लाइन AB 65 mm लॉन्ग हैज इट्स एंड A 20 mm अबव द HB एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ द VP। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में ट्रू लेंथ दे दिया दैट इज 65 mm और यहाँ पे आपको पॉइंट A का लोकेशन भी दे दिया है दैट इज 20 mm above HP एंड 25 mm in front of the VP। ओके, द एंड B इज 40 mm above HP एंड 65 mm in front of the VP। ड्रॉ द पोजीशंस ऑफ लाइन AB। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है क्योंकि ये देखिए आपके पास यहाँ पे जो बाकी बॉक्स वगैरह दिया ना, आपके पास यहाँ पे और कोई डेटा है ही नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीज दिया हुआ दैट इज पॉइंट A का लोकेशन एंड पॉइंट B का लोकेशन। सो देखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। पहले हमने लिख लेंगे जो आपको दिया हुआ दैट इज पॉइंट A का लोकेशन। कैसे देखो तो 20 mm above HP एंड 25 mm in front of the VP। तो क्या करना, यहाँ से कितना 20 mm ऊपर चले जाओ, दिस इज A डैश एंड दिस इज हाउ मच 20 mm। फिर आप क्या करना 25 mm in front आ जाओ, मतलब नीचे आ जाओ, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 25 mm। नीचे आ गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं पता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके बॉक्स में यहाँ पे जो चीज दिया जाएगा उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करके आगे बढ़ते हैं, बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिया नहीं है। बट मुझे यहाँ पे एक और चीज पता है, क्या बताऊँ, पॉइंट B का लोकेशन। तो उसको हम क्या करेंगे, इस एक एंड से अपन स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज, देखो आपको पॉइंट B का लोकेशन कैसे दिया है, 40 mm above HP एंड 65 mm in front of the VP। तो यहाँ पर देखूँ क्या करूँ, 40 mm ऊपर चले जाऊंगा मैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया बताओ, तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज लोकस ऑफ B डैश। ऐसे मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, बिकॉज ये पूरे लाइन बताओ, ये जो लाइन आपको ड्रॉ हुआ जैसे पैरेलल टू XY रेफरेंस लाइन, और ये आपका हाइट कितना बताओ आपको दिया यहाँ पे, दिस इज 40 mm। ठीक है, तो B डैश कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली इससे 40 mm ऊपर में कहीं होगा, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। वैसे आप क्या करना, 65 mm का एक लाइन आप नीचे भी ड्रॉ कर दोगे बिकॉज दैट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द VP। तो यहाँ पे आप 65 mm नीचे आ जाओ और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, दिस इज लोकस ऑफ B, आपको यहाँ पे हो जाएगा। अब आप क्या करना, आपके पास जो टू लेंथ दिया हुआ है उसको लेके आप आगे चलो। आपके पास A डैश है, तो आप 65 mm जो टू लेंथ दिया हुआ उसको यहाँ पर कैसा इसको कट करो, दिस इज B1 डैश जॉइन दिस इज टू लेंथ एंड दिस एंगल इज थीटा। इसको आप क्या करना नीचे तक लेके आ गए एंड दिस पॉइंट विल बी B2। वैसे आप क्या करना, उसके यहाँ मत लिखो, उसके यहाँ पे लिखो, दिस पॉइंट इज B2। वैसे आप क्या करना, आपके पास जो नीचे में पॉइंट दिया यहाँ से यहाँ पे ऐसे कट कर दिए, वैसे फॉर दिस पॉइंट इज B1 जॉइन दिस इज टू लेंथ एंड दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज 5। इतना क्लियर है। इसको आप क्या करना लेके आना अप टू A डैश के रेफरेंस तक का, तो दिस पॉइंट विल बी नोन एज B2 डैश। ठीक है, यहाँ उसका क्या करना, इसको पीछे लेके आ जाओ, इसको आप क्या करना पीछे लेके आ जाना। और आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक मेजर करना राउंडर से, यहाँ से लेके B2 तक मेजर करो और उसका से घुमा दो, दिस पॉइंट इज B नाउ जॉइन दिस इज ट्रू लेंथ एंड दिस इज टॉप यू एंड दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज बीटा। वैसे आप क्या करना, यहाँ से यहाँ तक मेजर करना राउंडर से, यहाँ पे यहाँ मेजर करो, इसका ऐसा घुमा दो, this point is B dash join this is my front view and this angle is alpha। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो बॉक्स दिया हुआ है ना, जो बॉक्स दिया हुआ है उस पूरे को आप भर सकते कैसे, by measuring all these। जो फ्रंट और टॉप व्यू दिया हुआ है उसको आप स्केल से मेजर कर लेना, that will be in mm, और जो थीटा फाई अल्फा बीटा दिया उसको आप प्रोटेक्टर से नाप के यहाँ पे लिख सकते हैं। पेंसिल का यूटिलाइजेशन बोलूंगा तो XY रेफरेंस लाइन लिख लो आप, 2H पेंसिल ट्रू लेंथ अगेन 2H पेंसिल, फ्रंट व्यू टॉप व्यू जो आपको पोजीशंस में आता है draw the projections. तो फ्रंट से टॉप में आपका क्या रहेगा पोजिशन रहे, तो दैट विल बी ऑफ एचबी पेंसिल, बाकी जितने कंस्ट्रक्शन लाइन से दैट विल बी ऑफ वेज पेंसिल. तो इस वीडियो में बस इतना ही है. थैंक यू.